अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद हमदल आलम है। मैं हमदर्द पब्लिक स्कूल का तालिब इलम हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कराची दुनिया का पांचवा बड़ा शहर आबादी के लिहाज से और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। आज मैं आपको कराची के कुछ ऐसे मसाइल के बारे में बताना चाहता हूँ जो आज के दिनों में हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। जैसे कि कचरे का जगह जगह पड़े रहना, गंदे पानी का रोडों पर बहना, लोड शेडिंग का मसला होना, पानी की किल्लत का मसला होना और टूटी फूटी सड़कों की वजह से एक्सीडेंट का होना। यह है कराची रोशनियों का शहर, शहर कायद, जहां आपको हर जगह कचरा मिलेगा। और अब तो लोग कराची को कचराची कहने लग गए हैं। मेरी तमाम स्कूल के तलबा और तलबात से गुजारिश है कि हम हर हफ्ते कराची का कचरा साफ करेंगे और अपने शहर को दोबारा से रोशनियों का शहर बनाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वालों ने कराची के लिए पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया। अब देखते हैं कि तब्दीली का नारा लगाने वाले कुछ कर पाते हैं या नहीं। मैं उन सियासतदानों के लिए शेयर कहना चाहता हूँ जो इक्तदार की कुर्सी में बैठ के आवाम के मसलों का हल नहीं करते। कुर्सी है ये तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुर्सी है ये तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। कैमरा मैन मुनीर शेख के साथ अवेगना न्यूज़ कराची।